नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का सिखवाल ऑनलाइन हब में। मैं कैलाश चौधरी, आप सभी मेरे साथ जुड़े हुए हो। दो दिन से अपनी क्लास नहीं हो पाई थी, उसके लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूँ। दो दिन में कहीं गांव चला गया था, बाहर था, तो थोड़ा सा आप समझना। प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन फिर शुरू करते हैं। अपन पढ़ रहे थे राजस्थान का इतिहास, और राजस्थान के इतिहास में आज अपनी क्लास शुरू करते हैं मेवाड़ के इतिहास से। तो जितने भी प्यारे विद्यार्थी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सभी विद्यार्थियों को नमस्कार बेटा। और आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है, उसमें अपन बात करने वाले हैं मेवाड़ के इतिहास के बारे में। और मेवाड़ के इतिहास में क्या क्या था, कौन कौन शासक थे, क्या क्या बातें थी, सारी बातें आज अपन शुरू करते हैं। तो मैं देख पा रहा हूँ आशा शेखावत, अभिषेक गोरा, निर्मला गुज्जर, सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। राधे राधे, कैसे हो आप सभी? एकदम बढ़िया होंगे आशा करता हूँ, एकदम स्वस्थ भी होंगे, मस्त होंगे, और अपनी तैयारी को धुआंधार तरीके से आगे बढ़ा रहे होंगे। तो आज अपन बात करते हैं मेवाड़ के इतिहास, और मेवाड़ के इतिहास में अपना टॉपिक चल रहा था रावल रतन सिंह के बारे में। अपन पढ़ रहे थे रावल रतन सिंह के बारे में कि रावल रतन सिंह का क्या शासनकाल रहा था, क्या क्या उनके बारे में अपने को बातें ध्यान रखनी है, रावल रतन सिंह के बारे में क्या क्या हमें पढ़ना है, वो सारी चीजें अपन देखते हैं। रावल रतन सिंह के शासनकाल हमें दो मिलते हैं, एक मिलता है 1301 से 1303, और कुछ जगह मिलता है 1302 से 1303। दोनों ही शासनकाल अपने सही है, लगभग लगभग दोनों को ही सही माना जाता है। दोनों ही शासनकाल पूछे जाए तो अपने दोनों शासनकाल सही माने जाएंगे। देखो बेटा, सबसे पहले रावल रतन सिंह का शासनकाल बहुत छोटा सा शासनकाल रहा, लेकिन इनका बहुत बड़ा योगदान था, और मेवाड़ के इतिहास में इनका बड़ा नाम आता है, बड़े नाम में इनको जाना जाता है। रावल रतन सिंह अपने स्वाभिमान के लिए जाने जाने वाले राजा हैं। सबसे पहले मैं कुछ बातें इनके बारे में बताता हूं जो आपको बेस वन बाय वन समझनी है। एक इतिहासकार हुए हैं जिनका नाम है मल्लिक मोहम्मद जायसी। एक इतिहासकार थे जिनका नाम था मल्लिक मोहम्मद जायसी, और मल्लिक मोहम्मद जायसी की एक रचना हुआ करती है बेटा, जिसका नाम था पद्मावत। पद्मावत के अनुसार जो है, पद्मावत के अनुसार अपने रतन सिंह जी का विवाह होता है रानी पद्मिनी से। और रानी पद्मिनी इस दुनिया की सबसे सुंदर रानी थी। रानी पद्मिनी से सुंदर इस दुनिया में कुछ था तो और कुछ नहीं था, सबसे सुंदर रानी पद्मिनी थी। जितनी भी लड़कियां मेरी क्लास देख रही है, देखो आप कोई चीज ना मत, आप कोई तनाव में मत आ जाना कि सर रानी पद्मिनी की आप इतनी तारीफ कर रहे हो, आप चीज चीज के कहीं और काले नहीं पड़ जाओ। और विशेष तौर से लड़की लोगों से मैं निवेदन करता हूं, देखो लड़के लोग तो सभी को पता है, जितने लोग लड़के लोग क्लास देख रहे हैं उन सबको पता है कि उनसे सुंदर इस दुनिया में कोई और हो ही नहीं सकता है। और मैं भी हमेशा यही सोच के अपनी जिंदगी जीता हूं कि मेरे से सुंदर इस दुनिया में और कोई दूसरा है ही नहीं है। क्या मुझे तो नहीं लगता है कि मेरे से सुंदर कोई है। उसी प्रकार सभी को यही सोच के जिंदगी जीनी चाहिए कि हमसे सुंदर कोई और नहीं हो सकता है, तो जिंदगी और बेहतरीन हो जाती है। लड़की लोग क्या करती है, यूं सोचते हैं यार मेरे से सुंदर, दूसरी सुंदर लड़की देखते और छी छी के काली पड़ जाती है। अपने को छींचना बिल्कुल भी नहीं है। अब देखो, पद्मिनी बहुत सुंदर थी। पद्मिनी के लिए ऐसी ऐसी बातें कही जाती हैं जो फेंक दी गई, थोड़ी बहुत घस के भी मार दी गई, लेकिन कहते हैं कि रानी पद्मिनी पानी पीती जो गले से दिखता था, इतनी सुंदर थी, यूं पानी पीती खड़खड़ खड़खड़ वो गया ऐसा पानी भी दिखता था। पोए खाती तो वो गए पोए गए पोए गए पोए के साथ नमकीन जा रही सारी चीजें दिखती थी, इतनी सुंदर थी रानी पद्मिनी। फिर रानी पद्मिनी जब इतनी सुंदर थी तो वो थी कहां की? तो मल्लिक मोहम्मद जायसी के अनुसार रानी पद्मिनी सिहल द्वीप श्रीलंका के एक राजा हुआ करते थे गंधर्व सेन, उस गंधर्व सेन की पुत्री हुआ करती थी। रानी पद्मिनी की सुंदरता के बारे में रतन सिंह को जानकारी कैसे मिली? तो ऐसे कहते हैं कि उनका एक तोता हुआ करता था जिसे अपन हीरामन तोता या गागरोनी तोता बोला करते हैं, जो इंसान की तरह नकल करता है, बोलता है। वो तोता एक बार श्रीलंका से उड़ते 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 वो जा रहा था कहां पे, तो वो हिमालय की यात्रा पर, तो रास्ते में अपने मेवाड़ आ जाता है। और मेवाड़ आ जाता है तो उस तोते ने सोचा कि यार नाश्ता वास्ता तो कर ही लेते हैं, ब्रेकफास्ट तो कर ही लेते हैं। तोता नीचे नाश्ता करने के लिए उतरा, रतन सिंह जी वहीं पार्क में बैठे हुए थे। रतन सिंह जी पार्क में बैठे बैठे गाने वाने गा रहे थे, ठहरे हुए पानी में कंकर ना मार सांवरे, मन में हलचल सी मच जाएगी। तो तोता भी उनकी तरह गाने गाने लग गया था, तोता भी सेम टू सेम रतन सिंह जी की तरह गाने वाने गाने लग गया। इस बात से रतन सिंह जी ने सोचा कि यार मेरी नकल कौन कर रहा है। चारों तरफ इधर उधर देखा, इतने में उनको एक तोता दिखा। जैसे ही तोता दिखा, रतन सिंह जी ने कहा तोता तू? तोते ने कहा कि रतन सिंह तू? तोते ने रतन सिंह जी ने कहा अच्छा मेरी नकल कर रहा है, तुरंत गिरफ्तार करो। तुरंत अपने उनको गिरफ्तार कर लिया गया। जैसे गिरफ्तार किया, उसकी गर्दन मरोड़ने लगे। जैसे ही गर्दन मरोड़ने लगे और उस तोते ने कहा एक मिनट, क्या बात हुई कि मेरी गर्दन तो बाद में मरोड़ना, पहले मुझे रतन सिंह जी से दो बात करनी, बताओ क्या बात करनी? रतन सिंह जी कि हाँ, मेरी एक अंतिम इच्छा है। कि बताओ क्या इच्छा है? कि मेरी एक अंतिम इच्छा है, मैं आपकी रानियां देखना चाहता हूँ। रतन सिंह जी ने कहा मेरी रानियों को देखने के लिए मैं हूं जी, तू क्या मेरी रानियों को देखेगा? उन्होंने कहा नहीं रतन सिंह, एक बार मेरी इच्छा है कि मैं आपकी रानियों को देखूं।
रतन सिंह जी ने कहा चलो मरने वाले व्यक्ति की एक अंतिम इच्छा तो पूरी कर ही देते हैं। सारी रानियां दिखाई, उसने कहा मुझे एक भी पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा क्या बात कर रहा है कि नहीं एक भी पसंद नहीं आई सच में। और फिर कि आप इतने सुंदर, आप शाहिद कपूर की तरह दिखते हो और आपके लिए इतनी काली काली रानियां, आपके लिए तो कोई सुंदर सी रानी होनी चाहिए। वो सुंदर रानी कौन है कि वो श्रीलंका में एक राजकुमारी है जिसका नाम है पद्मिनी, इतनी सुंदर, ऐसे ऐसे करके सारा बखान किया। ये बात सुनते हैं रतन सिंह जी को तो नींद नहीं आए। उन्होंने कहा तुम उनके क्या लगते हो, मैं उन्हीं का प्रिय तोता हूं, तू इधर क्या करने आया? कि मैं घूमने जा रहा था, आप मिल गए तो मैंने सोचा कि आपको उनकी सुंदरता के बारे में बता दूं ताकि आपके महलों की शोभा बढ़ जाए, एक सुंदर रानी आ जाए। फिर बाद में उस तोते के कहने पर ऐसे कहते हैं कि रतन सिंह जी श्रीलंका गए थे। कितनी बड़ी घसक मार दी कि तोते ने कहा अपने रतन सिंह जी के पास इतना फालतू टाइम था कि अपने रतन सिंह जी कहां गए थे, श्रीलंका। और श्रीलंका में जाकर के उनकी मुलाकात हुई और उसके बाद उन्होंने रानी पद्मिनी को देखा और पद्मिनी ने अपने उनको देखा। तो पद्मिनी बिल्कुल दीपिका पादुकोण की तरह लग रही थी और रतन सिंह जी बिल्कुल शाहिद कपूर की तरह। जब इतनी सुंदर रानी को उन्होंने देखा तो फिर मन ही मन में वही विवाह करने की सोची और सिहल द्वीप के राजा गंधर्व सेन से जाके कहा कि हम आपकी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं। एक बात बताओ मुझे, श्रीलंका में आपने आज दिन तक पहले कभी सुंदर लड़की देखी? सारे खिलाड़ी देखो काले कलूटे, जितने खिलाड़ी सारे काले काले, वहां की लड़कियां कैसे सुंदर हो सकती? आप कहे सर आपको पूरी जानकारी नहीं है, आपने जैकलिन को नहीं देखा है, कितनी सुंदर है जैकलिन हीरोइन। तो वो हो सकती है कि एक अपवाद हो, बाकी श्रीलंका में ज्यादा सुंदरता नहीं होती है। लेकिन फिर भी अपने मलिक मोहम्मद जायसी के अनुसार ऐसी ऐसी बातें कही गई, तो ये बातें भी अपने को ध्यान रखनी है। बाकी ज्यादातर इतिहासकार कहते हैं कि रानी पद्मिनी श्रीलंका की नहीं थी, अपने जैसलमेर की एक भटियाणी राजकुमारी थी। एग्जाम में पूछे तो अपने भटियाणी राजकुमारी बताना, श्रीलंका की नहीं थी। केवल ऐसे पूछ ले कि मलिक मोहम्मद जायसी के अनुसार कहां की थी, तो मलिक मोहम्मद जायसी के अनुसार श्रीलंका की थी। अब रानी पद्मिनी से जब विवाह करके वापस लौटे तो रानी पद्मिनी इतनी सुंदर थी कि जो देखे उसी के कानों से धुएं निकल जाए, जो देखे उसी के कानों से धुएं बाहर आ जाए। इतनी सुंदरता को देख देख के पूरा मेवाड़ घायल हो गया था। रणतन सिंह जी ने सोचा अपने पद्मिनी को घर से बाहर निकालने की जरूरत नहीं है, अगर इनको बाहर निकाला तो आधा बर्दा मेवाड़ बच्चा वही घायल हो जाएगा। एक दिन रतन सिंह जी का दरबारी हुआ करता था जिसका नाम था राघव चेतन। उस राघव चेतन ने रानी पद्मिनी को देख लिया था। जैसे रानी पद्मिनी को देखा वो मन ही मन में रानी पद्मिनी को पाने की प्रयास करे। राघव चेतन जादू टोने जाना करता था, जादू टोने से रानी पद्मिनी को प्राप्त करना चाहता था। रतन सिंह जी को पता चल गया था। रतन सिंह जी ने राघव चेतन को बोला इधर आ, इधर आया था पास में, बोला दो रेपटे मारी, दो चार घमोड़े मारे, लात की दी और अपने दरबार से निकाल दिया और राघव चेतन का अपमान कर दिया। राघव चेतन चला गया अपने दिल्ली। किसी शरण में? अलाउद्दीन खिलजी की शरण में। अलाउद्दीन खिलजी बिल्कुल रणवीर सिंह की तरह दिखे। जैसे रणवीर सिंह की आदतें हुआ करती वैसे अलाउद्दीन खिलजी। रणवीर सिंह जैसे कभी कभी दीपिका पादुकोण का घाघरा पहन के आ जाता है, वैसे वो भी अलाउद्दीन खिलजी भी ऐसे ही हुआ करता था। रणवीर सिंह ऐसे सपाट सट फोटो खिंचवाता है, ऐसे ही अपने अलाउद्दीन खिलजी भी हुआ करता था। तो फिर बाद में अपने रतन सिंह जी जो है, रतन सिंह जी ने जब राघव चेतन को दरबार से निकाल दिया तो वो कहां चले गए थे, अपने अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में, और अलाउद्दीन खिलजी को जाके रानी पद्मिनी की सुंदरता के बारे में बताया। फिर अपने अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर अटैक किए। ये बातें तो हुई किसके अनुसार, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत के अनुसार। बाकी वास्तविक बातें कुछ और है जो मैं आपको बोर्ड पर लिखते जाता हूं, समझाते जाता हूं। देखो बेटा बिल्कुल बिल्कुल दिनेश, लोकेश, निकू, किरण, भगवान सिंह, सभी बच्चों को नमस्कार। रावल रतन सिंह जी का शासनकाल, सबसे पहले तो इनके पिता का नाम, तो इनके पिता का नाम अपने को याद रखना है समर सिंह। इनके पिता का नाम क्या था बेटा? समर सिंह इनके पिता का नाम था। इनके समकालीन शासक, तो इनके समकालीन दिल्ली शासक, समकालीन दिल्ली शासक, तो अपने समकालीन दिल्ली शासक के बारे में अपने को बताना है कौन था, अलाउद्दीन खिलजी। इनके समकालीन दिल्ली के शासक कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी। फिर अपने से पूछ लिया जाए कि इनके जो है ये अलाउद्दीन खिलजी इनके समकालीन दिल्ली के शासक थे। फिर अपने से और बात पूछ ली जाए इनके बारे में कि इनकी पत्नी का नाम, तो अपने पत्नी बतानी है इनकी रानी पद्मिनी। पत्नी कौन थी बेटे? रानी पद्मिनी। और पद्मिनी इतिहास में किसके लिए जानी जाती है? अपनी सुंदरता के लिए। रानी पद्मिनी किसके लिए जानी जाती है इतिहास में? अपनी सुंदरता के लिए जानी जाती है। फिर बाद में और आपसे पूछ लिया जाए इनके बारे में, तो इनके सेनापति, इनके सेनापति थे, इनके सेनापतियों का नाम था गोरा व बादल, गोरा व बादल। ये किन के साथ आए? तो ऐसे कहते हैं कि रानी पद्मिनी के साथ हमारे यहां आए थे। हाँ जी, ऑफिशियल खेड़ेला नवीन ठाकुर,
तन्वी, सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। सेनापति का नाम पूछे बेटा, सेनापति का नाम क्या था? गोरा बादल। इसके अलावा अपने से पूछ ले इनका दरबारी, तो इनका दरबारी हुआ करता था एक व्यक्ति जिसका नाम था राघव चेतन। इनका दरबारी कौन था बेटा? राघव चेतन इनका दरबारी हुआ करता था। फिर देखो इनकी जो जानकारी मिलती है वो जानकारी हमें कहां से मिलती है? तो पद्मावत से। और पद्मावत लिखने वाला व्यक्ति कौन था? तो ये लिखने वाला व्यक्ति था मलिक मोहम्मद जायसी। पद्मावत किसने लिखी? मलिक मोहम्मद जायसी ने। और ये मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना कब करी? तो इसने लिखी थी बेटा 1540 में। ये क्या हुआ करती? तो एक काल्पनिक रचना, काल्पनिक रचना है। अगर अपने से पूछ लिया जाए कि ये जो रचना है, ये रचना मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है, जो कैसी रचना हुआ करती है? अपने काल्पनिक रचना हुआ करती है, काल्पनिक बातों पर आधारित है। तो पद्मावत के बारे में आपसे कभी पूछ ले, इसको लिखने वाला व्यक्ति मलिक मोहम्मद जायसी, कब लिखी गई? 1540 में। ये कैसी रचना हुआ करती है? अपने काल्पनिक रचना हुआ करती है। सारी बातें आपको याद रह जाएगी बेटा। कैसी रचना है? अपने काल्पनिक रचना है। देखो वापिस, रतन सिंह के पिता का नाम, रतन सिंह के पिता का नाम राघव चेतन। किनके समकालीन थे? इनके समकालीन दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी। इनकी पत्नी का नाम रानी पद्मिनी। इनके सेनापति गोरा व बादल। इनके दरबारी का नाम राघव चेतन। पद्मावत किसने लिखा? मलिक मोहम्मद जायसी ने। और मलिक मोहम्मद जायसी ने ये रचना कब लिखी बेटा? 1540 में लिखी। ये कैसी रचना हुआ करती है? एक काल्पनिक रचना हुआ करती है, जिसके बारे में बहुत सारे इतिहासकार नहीं मानते। हाँ, बालक माने को नहीं, कुर्चन नहीं करते हैं, किसके कर रहे हैं? सर आप पढ़ाते हो, वो क्लास कहाँ मिलती? बाद में जो मेरी वो लाइव चलती है बेटा, लाइव खत्म होने के बाद जो क्लास है वो मेरे, जैसे हिस्ट्री का है तो हिस्ट्री में आप रिकॉर्डेड में जाओगे, रिकॉर्डेड में मेरे दो गोले मिलेंगे, राजस्थान हिस्ट्री ब्लैक कलर में, राजस्थान हिस्ट्री ब्लू कलर में। उस ब्लू कलर वाले गोले पे आप क्लिक करोगे, उसमें टॉपिक वाइज जैसे चौहान वंश, राठौड़ वंश, 1857 की क्रांति, एकीकरण, प्रजामंडल, किसान आंदोलन, मेवाड़ वंश, उसमें आपको एक सिक्वेंस मिल जाएगी। वहां जाकर के आप बाद में इस क्लास को देख सकते हो, अगर कोई क्लास लाइव नहीं देख पाए तो उसके लिए। अब आगे देखिएगा बेटा, अब अपने रतन सिंह के बारे में और क्या क्या बातें याद रखनी है। तो रतन सिंह के बारे में जो मलिक मोहम्मद जायसी के अनुसार अगर अपन बात करें तो पद्मिनी की कुछ बातें कर लेते हैं ना। पद्मिनी, पद्मिनी के बारे में कुछ बातें बता देता हूं। देखो पत्नी किनकी थी बेटा ये, तो ये इनके इनके पति का नाम क्या था? तो अपने पति का नाम आप सभी जानते हो, इनके पति का नाम रतन सिंह, पति का नाम रतन सिंह। इनके पापा का नाम, पापा मतलब इनके पिताजी का नाम, तो इनके पिताजी का नाम गंधर्व सेन। इनके पिताजी का नाम क्या था बेटा? गंधर्व सेन। इसके अलावा आप लोगों से पूछ लिया जाए कि ये कहां की थी, तो अपने बताना कि ये सिहल द्वीप श्रीलंका की राजकुमारी, सिहल द्वीप श्रीलंका। श्रीलंका का प्राचीन नाम ही हुआ करता अपने सिहल द्वीप, सिहल द्वीप श्रीलंका की राजकुमारी। इनका एक तोता हुआ करता है, और इनके तोते का नाम क्या था बेटा? इनके तोते का नाम था हीरामन तोता। और ये हीरामन तोता ही अपने रतन सिंह जी को इनकी सुंदरता के बारे में बताता कि इतनी इतनी सुंदर, आप किस दुनिया में बैठे हो, इतनी सुंदर रानी तो अपने पास आई नहीं, ये वो, ये सारी बातें जो है अपने को किसमें मिलती है? पद्मावत में। लेकिन महत्वपूर्ण चीज जो मैं यहां नोट डाल के लिख रहा हूं, नोट याद रखना बेटा, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पद्मिनी मूलतः, याद रखना, पद्मिनी मूलतः जैसलमेर की राजकुमारी थी, मूलतः जैसलमेर की भाटी राजकुमारी, जैसलमेर की भाटी राजकुमारी थी, राजकुमारी थी। भाटियों की जो ख्यात है उसमें भी पद्मिनी को कहां की बताया गया? भाटियों के खात में पद्मिनी को अपने जैसलमेर की बताया गया। बाकी इसमें तो क्या है, ये बड़ी बड़ी घस के मार दी गई कि ये वहां की थी, वहां की थी। बाकी आप जानते हो बेटा, जैसलमेर से ज्यादा सुंदरता हमारे भारत में और कहीं देखने को नहीं मिलेगी। अगर मुम्मल जो है दूसरी सबसे सुंदर रानी, वो भी क्या थी? लोधरवा की राजकुमारी, यानी भाटी राजकुमारी थी। आपने देखा होगा मेवाड़ के इतिहास में धीरबाई, अपन देखेंगे आगे धीरबाई, वो जो सबसे सुंदर होगी वो भी कहां की होगी? जैसलमेर की। पद्मिनी भी कहां की थी? जैसलमेर की। देखो अपने भारत में जैसे जैसे इधर आते ना, सुंदरता बढ़ती जाती है। जैसे अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा ऐसे काले लोग आपको बंगाल में और बिहार में मिलेंगे, बिहार और बंगाल से थोड़े आगे आओगे तो आपको यूपी में थोड़े गोरे गोरे लोग मिलेंगे, यूपी से थोड़े आप राजस्थान में आ जाओ
जाओगे तो राजस्थान में बहुत ज्यादा सुंदर मिलेंगे। राजस्थान में भी अगर आप बात करोगे तो धौलपुर, धीरे धीरे ऐसे जैसे जैसे आगे बढ़ोगे वैसे वैसे आपको ज्यादा सुंदर लोग देखने को मिलेंगे। यानी कि आप धौलपुर की अपेक्षा जैसलमेर में जाओगे तो ज्यादा सुंदर, अगर आप जो है दौसा जयपुर के बजाय जोधपुर में जाओगे तो आपको ज्यादा सुंदरता देखने को मिलेगी। थोड़ा और पाकिस्तान बॉर्डर पार चले जाओ तो आपको सुंदरता की तो भरमार देखने को मिलेगी। आप देख के भी होगे बहुत सारे क्रिकेट स्टेडियम में जो दर्शक देखते हो तो आपका मन करता है काश भारत पाकिस्तान का विभाजन नहीं होता तो काश ये सुंदरता हमारे देश में बनी रहती। लेकिन हमारे देश की सुंदरता कहां चली गई? पाकिस्तान में। क्यों? जैसे जैसे उधर जाते हैं आप सुंदरता अक्सर अपने बढ़ती जाती है। देखा या नहीं देखा? कोई बात नहीं, नहीं देखा तो अपने को आगे देखने को मिलेगा। अब देखो ये तो पद्मिनी मूलतः जैसलमेर की बताई गई, बाकी रतन सिंह, गंधर्व सेन, इनके तोते का नाम हीरामन तोता। हीरामन तोता इंसान की तरह हूबहू बोलता, इंसान की तरह हूबहू बोलता है, हूबहू बोलता है, इंसान की तरह हूबहू वो कौन बोलता है? यही बोलता है। हाँ बिल्कुल दौलत राम जी, ये बात बहुत अच्छी बताई इन्होंने। पद्मावत जो है, पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी ने शेरशाह सूरी के कहने पर लिखी। बिल्कुल बेटा, ये बात अपने और नोट डाल के लिख लेते हैं, ये बात अपने को याद रखनी। पद्मावत जो रचना है शेरशाह सूरी के कहने पर, शेरशाह सूरी के कहने पर लिखी। अपने से कभी पूछ ले किसके कहने पर यह रचना लिखी गई तो शेरशाह सूरी के कहने पर यह रचना लिखी गई, याद रह जाएगी ये सारी बातें। अब अपन आगे और बढ़ते हैं, और देखो तुम आगे इसके बाद अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए अपने इनके बारे में, रतन सिंह जी के बारे में, तो अलाउद्दीन खिलजी और रतन सिंह जी के बीच संघर्ष के कारण, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी वर्सेज रतन सिंह के मध्य संघर्ष के कारण, इन दोनों के मध्य बेटा संघर्ष के कारण क्या थे? तो इन दोनों के मध्य जो संघर्ष के कारण थे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने पढ़े भी होंगे बहुत सी बार। इनके मध्य जो संघर्ष के कारण थे, पहला कारण जो माना जाता है वो माना जाता है चित्तौड़ के किले का सामरिक महत्व। जो अपने को बताई जाती है वो सारी चीजें गलत बताई जाती है। अब अपन जो पढ़ रहे हैं कि अपन ये पढ़ते हैं कि पद्मिनी की सुंदरता के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया, नहीं, अलाउद्दीन खिलजी इतना बेवकूफ भी नहीं था कि वो केवल पद्मिनी को पाने के लिए चित्तौड़ से इतनी बड़ी सेनाएं लेकर अटैक करे। वो बिल्कुल भी रणवीर सिंह की तरह नहीं था। अलाउद्दीन खिलजी की अगर आप पढ़ोगे तो अलाउद्दीन खिलजी की कुछ नीतियां अच्छी थी, जैसे उनकी व्यापार नीति बहुत अच्छी थी, बाजार नीति बहुत अच्छी थी, घोड़ा दागने वाली नीति बहुत अच्छी थी, उसकी जो है साम्राज्य विस्तार की नीति, ये कुछ नीतियां अलाउद्दीन खिलजी की तगड़ी तगड़ी नीतियां थी। तो अलाउद्दीन खिलजी की एक साम्राज्य विस्तार की नीति थी जिसके कारण चित्तौड़ का सामरिक महत्व, और चित्तौड़ पर वो अधिकार करना चाहते थे, और चित्तौड़ के माध्यम से वो गुजरात में मालवा दोनों पर अपना हस्तक्षेप चाहता था, जिसके कारण अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। तो इन दोनों के मध्य संघर्ष का पहला अगर अपने से कारण पूछ लिया जाए बेटा, तो पहला कारण अपने को ये याद रखना है कि चित्तौड़गढ़ का सामरिक महत्व चित्तौड़गढ़ का सामरिक महत्व। अब चित्तौड़गढ़ का सामरिक महत्व क्या है बेटा? तो चित्तौड़गढ़ का सामरिक महत्व आप ऐसे समझो, देखिएगा प्यारे बच्चों, ये अपना क्या हो गया, ये माना कि अपना राजस्थान, ये यहां पे क्या है अपने दिल्ली, ये क्या है अपने दिल्ली। अब अलाउद्दीन खिलजी को क्या चाहिए? इधर गुजरात, और गुजरात उस समय व्यापारिक केंद्र, और इधर मालवा, और ये मालवा उस समय कृषि के लिए बहुत ज्यादा उपजाऊ था, मालवा उस समय खेतीबाड़ी के लिए बहुत ज्यादा उपजाऊ था। तो समझना बेटा ये क्या था, तो यहां व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण, और इसके बारे में पूछ ले तो कृषि की दृष्टि से महत्व, तो समझना बेटा यहां कृषि की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्व था, इधर अपने व्यापार की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्व था। तो यहां जो है ना ये चित्तौड़ का किला, और इस चित्तौड़ के किले से
इधर अपने गुजरात पे भी आसानी से नियंत्रण रखा जा सकता है, इधर अपने मालवा पे भी आसानी से नियंत्रण रखा जा सकता है, दोनों के ऊपर बहुत ही आसानी से नियंत्रण रखा जा सकता था। तो इसलिए अलाउद्दीन खिलजी चाहता था कि ये चित्तौड़ के किले पर अपना अधिकार कर ले और चित्तौड़ के किले से मालवा और गुजरात दोनों लड्डू उनके हाथ में आ जाए। दोनों लड्डुओं को खाने के लिए उसने ये सारा किया। सर प्लीज रिप्लाई, क्या पूछ रहे हो बेटा युवराज? गुड इवनिंग एल आर वनिका, गुड इवनिंग बेटा। हाँ बिल्कुल एजाज अहमद, खजाइन उल फतू, तारिक ए उल्लाई, ये सारी के अभी आने वाली है ना, ये क्या है तो ये मैं बताऊंगा अभी। तारिक ए उल्लाई क्या है, खजाइन उल फतू है क्या है, ये सारी चीजें मैं बताऊंगा। अमीर खुसरो की रचना हुआ करती है जो अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी था, इसमें क्या क्या वर्णन मिलता है आप थोड़ा और इंतजार कीजिए, अभी आने वाली है। पहले अपन खिलजी और रतन सिंह के बीच संघर्ष के कारण पढ़ रहे हैं। हाँ जी आगे देखो, दोनों साम्राज्यवादी नीति, महत्वाकांक्षी शासक, चित्तौड़ का सामरिक महत्व, बहुत सारी चीजें बिल्कुल अभी आने वाली। वेरी गुड बेटा, आगे देखो। ये तो एक कारण हो गया। दूसरा कारण मैंने आप लोगों को कल परसों बताया था कि अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था गुजरात अभियान पर, तब उनके पिता समर सिंह ने इनसे टैक्स ले लिया था। इन्होंने कहा हम यहां से नहीं निकलने देंगे, हमारे चित्तौड़ से निकलोगे तो हम टैक्स लेंगे। तो अलाउद्दीन खिलजी की वो खुन्नस पड़ी हुई थी कि अरे मेवाड़ वाले हमसे टैक्स लेते हैं, इतनी ताकत आ गई इन मेवाड़ वालों के पास, तो उन्होंने कहा हम टैक्स वैक्स नहीं देंगे। तो चित्तौड़ का एक तो सामरिक महत्व बहुत ज्यादा था, एक महाराणा समर सिंह द्वारा रतन इनसे टैक्स लिया गया था। तो याद रखना रावल रतन सिंह के पिता समर सिंह द्वारा एक के का मतलब याद रखना बार बार अलाउद्दीन खिलजी आएगा, एक के से सीमा शुल्क लिया गया। एक बड़ा कारण यह भी माना जाता है कि उन्होंने इनसे क्या वसूल लिया था, सीमा शुल्क वसूल लिया था, जिसके कारण उनके बीच में नाराजगी थी। तीसरा बड़ा कारण माना जाता है बेटा अलाउद्दीन खिलजी की महत्वाकांक्षी, अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्य विस्तार की नीति। तो यानी कि ज्यादातर इतिहासकार कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी अपने साम्राज्य का बहुत ज्यादा विस्तार चाहता था। अलाउद्दीन खिलजी पूरे भारत को जीतने का सपना लिए हुए था, इसलिए उन्होंने आक्रमण किया। उन्होंने कोई लुगाए उगायों के लिए या फिर अपन कह सकते हैं रानी पद्मिनी के लिए उन्होंने अटैक नहीं किया था। आप सर ऐसा कैसे मान ले हम कि अलाउद्दीन खिलजी इतना बड़ा साम्राज्य विस्तारवादी नेता था कि वो अपने साम्राज्य का इतना विस्तार करना चाहता था? तो आपको इसलिए मानना पड़ेगा बेटा क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी जो है उसने तो रणथंभौर पे भी अटैक किया, उसने मेवाड़ पे भी अटैक किया, उसने जालौर पे भी अटैक किया, उसने सिवाना पे भी अटैक किया, उसने अपने गागरौन पे भी अटैक किया, उसने जैसलमेर पे भी अटैक किया, हर जगह अपने राजस्थान में उनके टाइम पे जौहर हुए थे, केसरिया हुए थे। क्या हर जगह वो लड़कियों के लिए आक्रमण कर रहे थे? क्या हर जगह वो रानियों के लिए अटैक कर रहे थे? क्या नहीं। उन्होंने क्या किया बेटा, उन्होंने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए, वो अपने साम्राज्य के बारे क्या चाहता था बेटा, अपने साम्राज्य पर विस्तार चाहते थे। वो चाहते थे कि पूरे भारत को जीते, और पूरे भारत को जीतने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने बार बार अटैक किया। तो अलाउद्दीन खिलजी की एक साम्राज्य विस्तार की नीति थी जिसके कारण अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया बेटा, अटैक किया था। चौथा कारण अपन एक ये मान सकते हैं कि पद्मिनी को पाना भी एक कारण यह भी रहा है, रानी पद्मिनी को प्राप्त करना चाहता था, रानी पद्मिनी को प्राप्त करना चाहता था। इसमें एक बात याद रख लेना कि मलिक मोहम्मद जायसी के अनुसार पद्मिनी की सुंदरता के बारे में राघव चेतन ने अलाउद्दीन खिलजी को बताया, यह बात मैंने अभी आपको बताई थी। तो रानी पद्मिनी की सुंदरता के बारे में राघव चेतन ने अलाउद्दीन खिलजी को बताया।
राघव चैतन्य ने अलाउद्दीन खिलजी को बताया, राघव चैतन्य ही बताया कि अलाउद्दीन खिलजी को रानी पद्मिनी इतनी इतनी सुंदर ऐसी ऐसी बातें ये सारी बातें उन्होंने जाकर कही थी। अब अपने मेन मुद्दे वाली बात पाते हैं वापिस। अब अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चित्तौड़ पर अटैक किया, तो अटैक किया कब, 1301 में और 1303 में। और 1303 में जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया, तब हमारे मेवाड़ का प्रथम शाखा और राजस्थान का दूसरा शाखा हुआ था और अलाउद्दीन खिलजी द्वारा आक्रमण किया गया था। तो बात करते हैं अपन मेवाड़ के प्रथम शाखे की, कि मेवाड़ का प्रथम शाखा याद रखना बेटा, इतिहास में याद रखा गया है मेवाड़ का प्रथम शाखा। मैंने आपको पहले भी कहा साका क्या हुआ करता है, तो साके का मतलब होता है जिसमें केसरिया भी हो जिसमें जोहर भी हो। केसरिया इज इक्वल टू जोहर बराबर साका, जिसमें केसरिया और जोहर दोनों हो उसको बोलते हैं अपन साका। तो मेवाड़ का प्रथम साका कब हुआ बेटा, 1303 में। अब कुछ बातें अपने मेवाड़ के प्रथम साके के बारे में कुछ बातें समझते हैं अपन। आक्रमणकारी कौन था इसमें, तो आक्रमणकारी आप बताओगे सर, आक्रमणकारी अलाउद्दीन खिलजी। आक्रमणकारी कौन था, फिर पूछा जाएगा उस समय यहाँ के शासक कौन थे, फिर पूछा जाएगा कि यहां पर उस समय जो है केसरिया किन्होंने किया था, फिर पूछा जाएगा बेटा जौहर किन्होंने किया। तो देखिएगा अगर मैं बात करूं आक्रमणकारी, तो आक्रमणकारी कौन था बेटा, अलाउद्दीन खिलजी। अटैक किसने किया था यहां पे, अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। फिर अपने से पूछा जाएगा कि शासक कौन थे, तो उस समय शासक थे रावल रतन सिंह। उस समय शासक कौन थे यहां के, रावल रतन सिंह। और उस समय केसरिया किसने किया, तो रतन सिंह गोरा व गोरा बादल ने, ये दोनों उनके पद्मिनी के भाई हुआ करते थे गोरा बादल। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने यहां पर जो है केसरिया किया। जौहर किसने किया, रानी पद्मिनी ने। और रानी पद्मिनी ने जो जौहर किया था कितनी रानियों के साथ, तो रानी पद्मिनी ने 1600 रानियों के साथ, 1600 रानियों के साथ जौहर किया। अपने से पूछ लिया जाए कि जौहर किसने किया, तो रानी पद्मिनी ने। कितनी रानियों के साथ जौहर किया, तो 1600 रानियों के साथ। हाँ बिल्कुल, शिवलाल कुमावत, निर्मल राव, सभी बच्चों को नमस्ते बेटा। सर राम राम, बावनी मंडी से, बावनी मंडी कहाँ है बेटा, ये बावनी मंडी पता नहीं है मुझे बावनी मंडी के बारे में। राज्य के अपने चाचा ससुर को मार कर बना था, हाँ हाँ वो तो सारी बातें मैंने बताई दी आपको, वो सारी बातें तो मैंने बताई दी। विनोद मेघवंशी, जय हिंद सर, बिल्कुल जय हिंद, जय भारत, एकदम मस्त तरीके से पढ़ते रहो। बिल्कुल दौलत राम जी, राज्य को वो जो ना उन्होंने अपने चाचा को मार कर जो है, वो सारी बातें तो मैंने आपको बताई दी थी। चलो देखो, तो अपने रानी पद्मिनी शाखा हुआ था, पहला शाखा हुआ था, पहला शाखा कब हुआ बेटा, तो पहला शाखा 1303 में हुआ था। उस समय आक्रमणकारी कौन था, अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया था। और उस समय जो है शासक कौन थे, तो रावल रतन सिंह शासक थे। केसरिया किन्होंने किया, तो केसरिया रावल अपने इन्होंने किया था, किन्होंने, रतन सिंह जी ने और गोरा बादल ने किया था। जौहर किसने किया, तो रानी पद्मिनी ने। कितनी रानियों के साथ किया, तो 1600 रानियों के साथ किया था। ये तो हुआ हमारे मेवाड़ के प्रथम शाखे की बात। अगर अपने से पूछ लिया जाए कि ये कौन सा शाखा था, तो बेटा अपने से याद रखना कि राजस्थान का दूसरा शाखा, राजस्थान का दूसरा शाखा व मेवाड़ का प्रथम शाखा था, मेवाड़ का प्रथम शाखा था। एक अपने ये बात भी याद रखनी कि मेवाड़ का कौन सा शाखा था, तो मेवाड़ का ये प्रथम शाखा था। अब क्या हुआ बेटा, अब इस युद्ध का आंखों देखा वर्णन, इस युद्ध का आंखों देखा वर्णन किन्होंने किया, तो युद्ध का आंखों देखा वर्णन अलाउद्दीन खिलजी ने किया। युद्ध का आंखों देखा वर्णन अलाउद्दीन खिलजी ने किया। ओ सॉरी सॉरी बेटा सॉरी, युद्ध का आंखों देखा वर्णन अमीर खुसरो ने किया, सॉरी बेटा अमीर खुसरो ने किया।
अगर अपने से पूछ लिया जाए कि युद्ध का आंखों देखा वर्णन करने वाला व्यक्ति कौन था, तो युद्ध का आंखों देखा वर्णन करने वाला व्यक्ति अमीर खुसरो। अमीर खुसरो की दो रचनाएं हैं जिसमें इस युद्ध का वर्णन किया गया है या हमें इसकी जानकारी मिला करती है। एक रचना हुआ करती है अमीर खुसरो की जिसका नाम है खजाइन उल फतूह है, और एक रचना हुआ करती है तारिक, या इसको तारिफ कहते हैं, तारिक ए अल्लाई, तारिक ए अल्लाई। इन दोनों से इनकी जानकारी मिलती है। खजाइन उल फतूह में इन्होंने जो है खजाइन उल फतूह में इन्होंने इनका विस्तार से वर्णन किया था। क्या कह रहे हो बेटा अजय कुमार, गुड इवनिंग नेशु कुमार, गदी कमरा सरजी, गाड़ी कमावा सरजी, क्या कह रहे हो नासु कुमार, समझ में नहीं आया मेरे को, आप क्या कहना चाह रहे हो, कुछ समझ में नहीं आया। लोकेश, गोरा बादल भाई थे या चाचा भतीजे थे? हाँ, बादल इसका भाई था और गोरा इनका चाचा लगता था। चलो देखो, खजाइन उल फतूह इसमें क्या किया बेटा, युद्ध का आंखों देखा वर्णन, इस युद्ध का क्या किया था, इसमें आंखों देखा वर्णन किया और इसमें आक्रमण का कारण बताया गया। आक्रमण का कारण साम्राज्य विस्तार, आक्रमण का कारण साम्राज्य विस्तार को बताया। किसको बताया बेटा, इसमें आक्रमण का कारण साम्राज्य विस्तार को बताया। अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी था अमीर खुसरो। ये उनका क्या था, अमीर खुसरो उनका दरबारी था और उनके दरबार में रहकर ही वो इस प्रकार की रचनाएं लिखा करता था। तो उनकी दोनों रचनाएं याद रखना, एक तो खजाइन उल फतूह और एक अपने तारीख ए अल्लाई, ये दोनों जो रचनाएं हैं, दोनों रचनाएं अपने को उनकी याद रखनी है। फिर देखिएगा बेटा, अब क्या हुआ, अलाउद्दीन खिलजी का जब यहां अधिकार हो गया था तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चित्तौड़ का नाम बदल दिया था, और चित्तौड़ का नाम बदलकर क्या किया बेटा, खेराबाद। चित्तौड़ का नाम बदलकर क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम बदलकर खेराबाद, चित्तौड़गढ़ का अलाउद्दीन खिलजी ने नाम बदलकर खिजराबाद, आज क्या हो रहा है यार, खिजराबाद किया, सॉरी है ना, आज समझ में नहीं आ रहा क्या बोल देता हूं फिर याद आता है। पूजा सैनी, हाँ खम्मागणी जी, खम्मागणी बिल्कुल, राम राम सभी को खम्मागणी। खम्मागणी जी, देखो खिजराबाद नाम किया था आज, है ना, थोड़ी सी क्या क्लासेस ज्यादा होने लग गई, सुबह 7 बजे 6 बजे से क्लासेस होती, थकान इतनी आ जाती, दिमाग में समझ में नहीं आ रहा। देखो बेटा, चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद किया। एक आप लोगों ने एक सुना होगा दाइबी पीर की दरगाह, दाइबी पीर की दरगाह, और दाइबी पीर की दरगाह से हमें जो है ना, दाइबी पीर की दरगाह से शिलालेख मिला, दाइबी पीर की दरगाह से शिलालेख मिला जिसमें चित्तौड़गढ़ को खिजराबाद बताया गया, जिसमें चित्तौड़गढ़ को खिजराबाद बताया, खिजराबाद बताया। अगर आपसे पूछ ले कि कहां पर खिजराबाद बताया, तो दाइबी पीर की दरगाह में, और दाइबी पीर की दरगाह जो है, ये दाइबी पीर की दरगाह कहां पर बनी हुई बेटा, तो यहां पर एक नदी है गंभीरी नदी, उस गंभीरी नदी के पास ये दाइबी पीर की दरगाह है।
अगर अपने से पूछ लिया जाए बेटा तो ये दाइबी पीर की दरगाह जो है, दाइबी पीर की दरगाह कहां पर है बेटा, ये गंभीरी नदी के किनारे, और इसमें इसको क्या बताया गया, खिजराबाद। लेकिन इसमें ये कहा गया कि अलाउद्दीन खिलजी ने इसका नाम खिजराबाद नहीं रखा, अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले को तहस नहस कर दिया था आक्रमण से। उसके बाद इस किले को उनके पुत्र खिजर खान ने आबाद किया, और खिजर खान ने आबाद किया इसलिए इसका नाम खिजराबाद पड़ा। ये जानकारी हमें कहां से मिलती, दाइबी पीर की दरगाह के लेख से। तो याद रखना, इस लेख के अनुसार दुर्ग, इस लेख के अनुसार अगर अपने से पूछ ले कि इस लेख के अनुसार दुर्ग को खिलजी ने पूरी तरह से तहस नहस किया, पूरी तरह से तहस नहस किया, लेकिन खिजर खान ने इसे पुनः आबाद किया और खिजर खान ने इसे पुनः आबाद किया इसलिए इसका नाम क्या पड़ा बेटा, खिजराबाद। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, खिजराबाद। एक बार मैं वापस देख लेता हूं थोड़ी सी बात, एक बच्चा कमेंट कर रहा था, मैं वापस देख लेता हूं यहां। हाँ, पद्मिनी के बारे में एक, इनकी माता के नाम भी याद रख लेना बेटा, इनकी माता का नाम चंपावती या अपन कह सकते हैं चंपावती। एक जो है ना इनके भाई हुआ करते थे, इनके भाई का नाम याद रखना, भाई बादल। और इनका एक चाचा हुआ करता था, और चाचा का नाम याद रखना बेटा, इनके चाचा का नाम अगर अपने से पूछ लिया जाए इनके चाचा कौन थे, इनके चाचा थे गोरा। इनके चाचा का नाम क्या था, गोरा। रानी पद्मिनी के भाई का नाम बादल और इनके चाचा का नाम गोरा हुआ करता है। ये बात अपने छूट गई थी शायद, इसमें मैं बता दी वापिस। अब देखिएगा बेटा, अलाउद्दीन खिलजी तो वापिस चला जाता चित्तौड़गढ़, अच्छा चलो करके आ गए ना रामेश्वर। पूजा, गुरुजी इतने दिन कहां चले गए थे, कितने दिन हो गए बेटा मेरे को, कल और परसों दो दिन नहीं हुई थी, दो दिन में गांव नहीं चला गया था, मैं थोड़ा काम में व्यस्त हो गया था, और तबीयत तो एकदम सही थी लेकिन थोड़ा सा बहुत ज्यादा जरूरी काम था, और जरूरी कार्य की वजह से परसों मेरी क्लास लगी हुई थी लेकिन आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आया था कि आज क्लास नहीं होगी, और कल मैंने क्लास फोन करके मना कर दिया कि मेरी क्लास नहीं हो पाएगी, इसलिए पूजा कल क्लास नहीं हो पाई थी। ठीक है बेटा, आगे बढ़े। अब देखो, अलाउद्दीन खिलजी तो वापिस दिल्ली लौट गए थे, चित्तौड़ का किला किसको सौंप के गए थे, खिजर का। थोड़े दिन तो यहां पर रुके, अब खिजर का मन नहीं लगे तो खिजर खान ने जो है अपने डैडी को फोन किया कि डैडी मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा, प्लीज डैडी मुझे वापिस बुला लो, डैडी इनका ठीक है तो एक काम कर, चित्तौड़ का किला अपने एक दोस्त है मुछाला मालदेव सोनगरा, उनको ये किला सौंप दे और तू एक काम कर वापिस आ जा। तो क्या किया गया था बेटा, खिजर खां द्वारा दुर्ग मुछाला मालदेव या अपन कह सकते हैं मालदेव सोनगरा को सौंपा गया। और स्वयं दिल्ली लौट गए। तेरह सौ छब्बीस तक सोनगरा चौहानों का दुर्ग पर अधिकार रहा।
किले पर जो अधिकार रहा था वो अधिकार किनका रहा था, वो किताब वो इनका रहा था। चलो वेरी गुड। नहीं निशा, 1 बजे मेरी ऑफलाइन क्लास होती है, आजकल ऑफलाइन क्लासें होती हैं 12 घंटे, सुबह 7 बजे से लेकर के शाम को 7 बजे लगातार नॉन स्टॉप क्लास होती है, आजकल 6 बजे से होती है, 13 घंटे ऑफलाइन क्लास होती है, उसके बाद 7 बजे आपकी क्लास होती है, फिर 9 बजे यूट्यूब वाली क्लास होती है, जो अभी तो आज और अपने के कॉमन चल जाएगी क्योंकि मैं आभूषण और दोनों पढ़ा रहा हूँ, फिर आपकी क्लास में 10 बजे ले पाऊंगा, यानी कि 10 से 11। तो आज तो अपनी जो अब वेशभूषा वाली क्लास है आज और कल तो अपने और साथ में चल जाएगी, फिर उस क्लास का अलग से टाइम कुछ करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, तो उस क्लास को मैं वहां लूंगा, तो नहीं हो सकता बेटा, प्लीज आप समझा करो, सपोर्ट करो थोड़ा सा। हाँ बिल्कुल, अपने देखो यहाँ मैंने नंबर दिए थे आप लोगों को, किसी को भी बुक वगैरह ऑनलाइन भी मंगानी हो तो ऑनलाइन भी यही जाती है, अपने एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक के माध्यम से जो ग्रेड के विद्यार्थी उनके लिए अपनी सिक्वाल की किताब ऑनलाइन भी सप्लाई होती है, तो वहां से आप किताब भी ऑनलाइन मंगा सकते हो। अगला राजा पढ़ेंगे अपन राणा हमीर देव, और हमीर देव के बारे में अपन चर्चाएं करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो राणा हमीर देव के बारे में जो भी चर्चा होगी वो नेक्स्ट क्लास में। कहाँ पर ऑफलाइन? ऑफलाइन तो अपनी यही अभिज्ञान में होती है, ऑफलाइन क्लास अभिज्ञान में पढ़ाते हैं, अभिज्ञान में, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इसी प्रकार आप सभी पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत। आप सभी अपनी तैयारी को इसी प्रकार मजबूत करते रहें। और एक और महत्वपूर्ण बात, अगली जो अपनी क्लास है वो 9 बजे शुरू होगी, और 9 बजे अपन वेशभूषा टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो आज वेशभूषा को पूरा करने के प्रयास करेंगे। जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, जय भारत।